नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सच लक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा MS Office का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कोर्सेज कर रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं अलग अलग, जिसमें हमने अभी तक काफी कुछ कर लिया है। सबसे पहले मैंने आपको विंडोज बताया था, फिर मैंने आपको MS Paint बताया, फिर नोट पैड, फिर वर्ड पैड, फिर विनवर्ड की पूरी सीरीज खत्म की हमने। उसके बाद एक्सेल कर रहे हैं फिलहाल हम, एक्सेल में आज हम करेंगे पेज लेआउट मेन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडो के साथ दोस्तों आर का बटन दबाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर टाइप करेंगे रन के डायलॉग बॉक्स में एक्सेल EXCEL, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ से ओके का बटन भी दबा सकते हैं। ठीक है, मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ और उसके साथ ये खुल जाएगा। खुलने में दोस्तों आपके सामने एक्सेल का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपके ये सारे मेन्यूज हैं, ठीक है। और इसके बाद ये मेन्यूज के अंदर मैंने आपको बताया था ये सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हम पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, व्यू रिव्यू डेटा और फॉर्मूला हम कर चुके हैं, इसके बाद हम करेंगे पेज लेआउट मेन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि पेज लेआउट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि विनवर्ड में भी हमने पेज लेआउट मेन्यू किया हुआ था। तो विनवर्ड में जो पेज लेआउट मेन्यू था वो बेसिकली पेज से रिलेटेड वर्क करता था, यानी पेज की लेआउट यानी लुक्स के ऊपर काम करता था। तो उससे रिलेटेड काम इसमें भी होता है यहाँ पर एक्सेल में। तो मैं आपको एक बार इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ क्या ऑप्शन थे, आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शन थे बेसिकली, और इन्हीं ऑप्शन को आज हमें करना है, समझना है। तो एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं, कोशिश करूंगा कि सारे ऑप्शन एक ही वीडियो में बता दूं दोस्तों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बताने में तो मैं एक दूसरी वीडियो के लिए आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इधर थीम्स के ग्रुप में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो थीम्स का ग्रुप है मैं आपको यहाँ से नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ से होम मेन्यू में बेसिकली विनवर्ड के अंदर भी मैंने आपको बताया था थीम्स के लिए, और यहाँ पर भी ऑप्शन होते हैं तो इसके अंदर से मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेज लेआउट में मार्जिन से लेके, यानी कि जो बेसिकली पेज सेटअप का ग्रुप है, मार्जिन से लेके और प्रिंट टाइटल्स तक, ये बताऊंगा, फिर स्केलिंग बताऊंगा, फिर शीट के ऑप्शंस बताऊंगा, और फिर ये अरेंज के जो ऑप्शन है ये तो हम इंसर्ट मेन्यू भी सीख सकते हैं, और विनवर्ड में मैंने आपको शेप लेके करना बताया था। तो आज बेसिकली ये पूरा ऑप्शन हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार होने वाली है और आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा, और चूंकि डीप नॉलेज के साथ मिलेगा इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस पर जरूर ध्यान दें, ठीक है। ऐसी वीडियो आपको कहीं किसी और भी चैनल पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है और पूरी डिटेल नॉलेज बता रहा है, ठीक है। कोई भी चीज हम आधे अधूरी नहीं छोड़ेंगे, जो भी हम करेंगे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मार्जिन का ऑप्शन है, हमने विनवर्ड में भी किया था मार्जिन का पेज लेआउट के अंदर, आपको यूज पता ही है। मार्जिन के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ मार्जिन दिए होते हैं बने बनाए, ठीक है, या फिर आप कस्टम मार्जिन में जाके पेज के लिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आ देना, टॉप यह है, बॉटम यह है, लेफ्ट ठीक है, और यह है राइट। तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मार्जिन का मतलब कि आप जितना ज्यादा स्पेसिंग देना चाहो पेज के लिए वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने साइज बढ़ाया इस तरीके से कुछ, ठीक है, आप देख पा रहे हैं 1.95, जितना ज्यादा आप देंगे देख रहे हैं ये मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो इसको आप बेसिकली टाइप भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला सीधे 5 का मार्जिन दिए, तो एंटर मारते बेसिकली ये 5 का मार्जिन हो जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना, मैं बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन था आप कस्टम मार्जिन में जाइए, और बाय डिफॉल्ट यहाँ का जो मार्जिन था 0.7 वही मार्जिन हम यहाँ पे भी देंगे। तो हम लेफ्ट से 0.7 के रखेंगे, ठीक है, राइट से 0.7 है ही, टॉप में 0.75 है, बॉटम में भी। तो ऊपर वाली एरो की से आप किसी में भी मार्जिन बढ़ा सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके, और नीचे वाले से आप कम कर सकते हैं, ठीक है। हेडर और फुटर के लिए इसी तरीके से दे रखा है। अगर आपको ये जो पेज है बेसिकली आप देख पा रहे हैं एक्सेल की जो शीट है वो लेफ्ट साइड में और ऊपर साइड में आ रही है, देखिए ऊपर से चिपक के और लेफ्ट साइड से चिपक के आ रही है, जिसका कुछ प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। बट अगर आपको ये पेज सेंटर में चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच चाहिए पूरे शीट के, तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल से बीच में कर सकते हैं, फर्क देखिएगा इस जगह पे, और वर्टिकल से यहाँ पे भी आप बीच कर सकते हो। तो देखिए ये बिल्कुल अब टच नहीं है, ये कहीं ना कहीं बीच में आ रही है। तो हॉरिजॉन्टल से भी हमने किया और हमने वर्टिकल से भी किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से। तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू आपका देखने के लिए होता है कि पेज छपने के बाद कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। ये लाइन दोस्तों ये शो करती है कि यहाँ से आपका पेज अलग हो चुका है, ठीक है, यहाँ से आपका ये पेज अलग है। नीचे आप जाएंगे इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग और आ रही है, यानी यहाँ तक ये पूरा जो एरिया है नीचे तक आप आएंगे, ये पूरा यहाँ तक का एक शीट है, फिर ये दूसरी शीट है, फिर इस तरीके से तीसरी शीट है। तो ये आपके बेसिकली कस्टम मार्जिन में जाके ये प्रीव्यू करने के लिए है, देखने के लिए पेज के छपने के बाद कैसा आएगा। प्रिंट से आप पेज को प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंट के सारे ऑप्शन आते हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर सारे पेज छापने तो ऑल पेज ले सकते हैं, नहीं तो पेजेस में जाके आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हो कि मेरे को पेज नंबर 5 से लेके और पेज नंबर 7 तक का ही या 9 तक का ही प्रिंट आउट करना है, ठीक है। सिलेक्शन पर अगर आप क्लिक करते हो तो जितना आपने पेज सेलेक्ट कर रखा होगा उतना प्रिंट आउट होगा। एक्टिव शीट यानी जिस शीट पे होंगे उसी को प्रिंट करेगा। एंटायर वर्कबुक यानी वर्कबुक यानी बेसिकली जितनी भी शीट है 1, 2, 3 शीट है, जितने भी वर्कबुक में होंगे वो सारी शीटें प्रिंट आउट कर देगा। इग्नोर प्रिंट एरिया करना है तो प्रिंट एरिया को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। प्रिंट एरिया का ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बट फिलहाल आप इतना समझिए कि इस चेकबॉक्स पर टिक लगाने का मतलब है कि अगर हम इस प्रिंट एरिया में जो एरिया हम डिफाइन करते हैं, जिस एरिया को हमें प्रिंट करवाना है, पूरी शीट को प्रिंट ना करवा के पर्टिकुलरली प्रिंट एरिया डिफाइन करते हैं कि इस प्रिंट एरिया को ही प्रिंट आउट करो, उस प्रिंट एरिया को अगर हम इग्नोर करना है तो इस चेकबॉक्स में हम टिक लगाएंगे।
तो यही सब ऑप्शन है बेसिकली, यहाँ से नंबर ऑफ कॉपी आप बढ़ा सकते हैं, कितनी कॉपी निकालनी है एक पेज की, ठीक है, वो हम फोटोस्टेट कराने जाते हैं तो भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको विनवर्ड में बताया था, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये सब कुछ करने का। तो इस तरीके से आप मार्जिन दे सकते हैं दोस्तों, कस्टम मार्जिन जाके अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, क्लिक करते ही ये पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा। मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दिए हैं, प्रीव्यू में, प्रिंट प्रीव्यू में आप बेसिकली पेज का प्रिंट आउट देख सकते हैं किस तरीके का आएगा, प्रिंट में जाके आप कुछ सेटिंग्स होती है ये ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो बेसिकली लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे, एक ऑप्शंस का भी ग्रुप आता है आप देखें तो, अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर पोर्ट्रेट में पेज लेना है या लैंडस्केप में, वो भी कर सकते हैं। लैंडस्केप में पेज चौड़ाई में आता है, पोर्ट्रेट में आपका पेज लंबाई में आता है, ठीक है। इसके अलावा एडवांस के भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप पेज का साइज, लेटर साइज, कॉपी इस तरीके से कुछ ऑप्शन है, ये भी ले सकते हैं। फिर हमारा पेपर साइज लेटर का है, यहाँ से जाके आप A3 A4 कोई साइज ले सकते हैं, ये सब बाहर से भी आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से ना सेलेक्ट करें, डायरेक्टली मैं बाहर से आपको बताने वाला हूँ, आप देख लीजिए वहां से, ठीक है। तो कैंसिल कर रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। साइज में देखिए, जो हमारा वहाँ पर लेटर, पोर्ट्रेट, पेज, A4, A5, जो भी आता है, जो भी साइज आपको रखना है आप उस पर क्लिक कीजिए और पेज आपको उस तरीके का साइज में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारा लेटर का साइज था तो हम लेटर ही लेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए लाइनिंग में फर्क आएगा, ठीक है। तो साइज में जाके मैं इसको A4 कर रहा हूँ तो देखिए लाइनिंग में फर्क आया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं लेटर करूंगा तो भी इस लाइनिंग में फर्क आएगा, ठीक है। उसी तरीके से ओरिएंटेशन में पेज, लंबाई में पोर्ट्रेट, अगर आप इसको लैंडस्केप में करना चाहेंगे तो चौड़ाई में भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको मैं प्रिंट एरिया बताने वाला हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। प्रिंट एरिया दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए आपको जो पेज का प्रिंट आउट करना है, आप चाहते हो पूरी शीट ना प्रिंट आउट हो, बस एक पर्टिकुलर एरिया प्रिंट आउट हो, ठीक है। आप चाहते हो कि सिर्फ इतनी दूर में जो मैं लिखूं, यानी ई, इधर से 5 कॉलम ले लिए हमने ई तक, और यहां से हमने 5 रो ले ली 5 तक, इसमें जो कुछ मैं लिखूं वही केवल प्रिंट आउट के लिए आए। तो प्रिंट एरिया में जाएंगे आप, सेट प्रिंट एरिया करेंगे दोस्तों। सेट प्रिंट एरिया करने के बाद देखिए आप एक बेसिकली लाइनिंग आ रही है यहाँ पे, तो अगर आप इसके बाहर कुछ लिखते हैं तो वो आपको प्रिंट आउट में नहीं शो करेगा। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैं जब मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F2 होती है, क्या होती है, Ctrl+F2, ऐसे दबाएंगे Ctrl+F2, देखिए कुछ भी प्रिंट आउट के लिए नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यही चीज आप इसके अंदर लिखो, इसके अंदर जैसे मैंने लिखा जस्ट ओनली, हम लिखते हैं सच लक्ष्य, ठीक है दोस्तों, हम लिखते हैं सच लक्ष्य, और इसको मेरे को प्रिंट आउट करवाना है, तो देखिए चूंकि ये इस प्रिंट एरिया के अंदर है तो इसका प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+F2 से शो करेगा। देखिए यहाँ पर Ctrl+F2 से ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, यानी ये चीज प्रिंट आउट होके आएगी, बाकी की चीज प्रिंट आउट होके नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो आपका प्रिंट एरिया होता है वो पर्टिकुलरली वो एरिया होता है जो प्रिंट आउट कराने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपको पूरी शीट को प्रिंट आउट नहीं कराना है, आपको पूरी शीट में से कोई पर्टिकुलर एरिया ही प्रिंट आउट कराना है, तो आप प्रिंट एरिया को ही प्रिंट आउट कराएंगे, ठीक है। अगर आपको दोस्तों ये ऑप्शन समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं इसका थोड़ा सा डेमो आपको एक्सटेंड करके और देता हूँ कि मान लीजिए मुझे प्रिंट एरिया में थोड़ा सा एरिया और बढ़ाना है, इतना एरिया और ऐड करना है, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। कैसे, प्रिंट एरिया में जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यहाँ से लेंगे ऐड टू प्रिंट एरिया, तो ऐड टू प्रिंट एरिया करते देखिए दोस्तों इतना एरिया और ऐड हो गया। और अब आप जब कंट्रोल के साथ F2 यानी बेसिकली प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं मार्जिन में जाके, कस्टम मार्जिन में जाके, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देखेंगे इस बार प्रिंट आउट में आपका नेक्स्ट एरिया आएगा, नेक्स्ट पेज करते आ जाएगा, इस पेज पे नहीं आ रहा तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप प्रिंट एरिया क्लियर करना चाहते हो, यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया करके सब कुछ नॉर्मल भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप F2 करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेज एक ही पेज पे प्रिंट आउट आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्रिंट एरिया का यूज क्या है, कैसे इसमें ऐड करते हैं, कैसे इसको क्लियर करते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कहीं से पेज को ब्रेक करना है तो आप यहाँ पे रखिए कर्सर, जहाँ पे भी आप कर्सर रखेंगे वहां से पेज ब्रेक हो जाएगा। इंसर्ट पेज ब्रेक करते ही आप देखिए यहाँ से पेज ब्रेक हो गया, ठीक है। अगर आपको पेज ब्रेक हटाना है तो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, पेज ब्रेक का जो ऑप्शन होता है इसका यूज क्या होता है। बेसिकली अगर आपको पेज को कहीं से अलग करना है, ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो अगर आपको पेज को कहीं से अलग करना है दोस्तों, तो आप पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको विनवर्ड में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पिछले वीडियो को देखिए, विनवर्ड में भी पेज लेआउट का मेन्यू एज इट इज सेम है, बस कुछ ही ऑप्शन बदले होंगे, बाकी मैक्सिमम ऑप्शन सेम है। तो मैं चाहूंगा आप जाके पिछली वीडियो विनवर्ड वगैरह के देखिए, जो कि मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है एमएस ऑफिस के कोर्स की मेरे YouTube चैनल पे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट को आप ढूंढिए उस सेक्शन में जाके, और वहाँ पे आप पूरी विनवर्ड्स की वीडियो देखिए, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। अगर विनवर्ड की भी नहीं देख रहे तो कम से कम इस मेन्यू को समझने के लिए, एक्सेल के पेज लेआउट को समझने के लिए कम से कम एटलीस्ट विनवर्ड की पेज लेआउट की मेन्यू वाली वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप उसको देखेंगे और इसके बाद फिर आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इंसर्ट पेज ब्रेक करते क्या होगा, पेज ब्रेक आ जाएगा इस तरीके से, और अब यहाँ से ये पेज अलग हो चुका है। तो बेसिकली सच लक्ष्य जो आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा वो पर्टिकुलरली एक पेज पे दिखाएगा, यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। जब आप नेक्स्ट पेज करेंगे तब जाके भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने पेज अलग कर रखा है इस तरीके से कुछ। नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये चौथे पेज पे आ रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4th पेज, ठीक है, ये इस तरीके से रीड कर रहा है 1, 2, 3 एंड 4। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सारी चीजें ऐसे हो रही है। अगर आप पेज ब्रेक नहीं चाहते तो यहाँ से रिमूव कर लीजिए, रिसेट ऑल पेज ब्रेक से सारे पेज ब्रेक वापस जैसे थे वैसे हो जाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड क्या होता है दोस्तों, बैकग्राउंड में आप जाएंगे, बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ डालना है, कोई फोटो डालनी है, मतलब आप चाहते हैं
सेफ पिक्चर्स में भी डाल सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं है तो आप लोकल डिस्क डी में जाके मान लीजिए कोई टैली के नोट्स हैं जो भी आपको ठीक लगे आप देख लीजिएगा, कोई अपना अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे। फैमिली फोल्डर्स में भी हमारे पास कुछ फोटोज पड़ी हुई हैं जो आपको ठीक लगे उसमें से आप डाल सकते हो। मैं आपके लिए कुछ फोटोज निकालता हूँ। सबसे पहले पिक्चर्स में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ऑल पिक्चर्स ले लेते हैं। कैमरा रोल्स में भी कुछ नहीं है, ऑल पिक्चर्स की जगह कोई एक फोटो बेसिकली लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट देखिए, कोई पिक्चर्स पहले हमें, मैं लोकल डिस्क डी में देखता हूँ अगर कोई फोटो है मेरे। जैसे यूट्यूब में गए, यूट्यूब में जाने के बाद हमने एडवर्टाइजमेंट में गए और यहाँ से ये यह हमारे पास मान लीजिए पिक्चर आ गया। बैकग्राउंड में मान लीजिए मैं सचलक्ष का लोगो लगाना चाहता हूँ, ये तो इसको इंसर्ट कीजिए बैकग्राउंड में। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है, और आपको काफी आपके डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना देता है ये। हालांकि ये प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आता दोस्तों, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो, ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर आप F2 करते हैं तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में शो नहीं कर रहा। प्रिंट प्रीव्यू में शो नहीं कर रहा इसका मतलब क्या है कि जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो उस टाइम पे ये बेसिकली प्रिंट आउट होके नहीं आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं और प्रिंट प्रीव्यू में जो चीजें शो करें एग्जैक्टली पेज वैसा ही छप के आएगा दोस्तों। तो ये जो बैकग्राउंड आ रहा था, क्लोज कीजिए पहले इसको प्रिंट प्रीव्यू को, ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना सचलक्ष का लोगो जो लगा हुआ आ रहा है, ये बैकग्राउंड प्रिंट आउट होके नहीं आएगा प्रिंट प्रीव्यू करने पे, मतलब प्रिंट आउट करने पे। तो डिलीट बैकग्राउंड कीजिए तो बैकग्राउंड हट जाएगा। इसका यूज बस ये होता है दोस्तों कि थोड़ा सा पेज हमारा खूबसूरत लगता है। कोई भी बैकग्राउंड में आप कोई भी डाल सकते हैं, जो नहीं कि आप सचलक्ष का ये जो लोगो है आप इंसर्ट करके यही डालिए। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता आप इसको डिलीट कीजिए, कोई दूसरा बैकग्राउंड का ऑप्शन डाल सकते हैं आप। जैसे मैंने फिलहाल ये अच्छा लगा तो मैं ये डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ से किया इंसर्ट, ये देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड ये भी आ जाएगा। तो आपको जो अच्छा लग रहा है दोस्तों आप वो बैकग्राउंड डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके बाद हमारा ये पेज सेटअप का जो ग्रुप है दोस्तों ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे ये ऑप्शन क्या है। प्रिंट टाइटल्स में गए, सबसे पहले तो है प्रिंट एरिया, ठीक है, तो प्रिंट एरिया में आप पर्टिकुलरली एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से जाके मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर दिया कि मुझे भाई इतना ही एरिया प्रिंट आउट कराना है, ठीक है। रोज टू रिपीट एट टॉप, कौन सी रोज रिपीट हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा कॉलम लेफ्ट साइड पे रिपीट हो उसको आप ले सकते हो। ग्रिड लाइन पे अगर आप टिक लगाते हो तो यहाँ पे ऊपर टाइटल आ रहा है प्रिंट करने का, तो जिन ऑप्शन पे आपने टिक लगाएंगे इनको चेक बॉक्सेस बोलते हैं दोस्तों। तो जिन चेक बॉक्सेस पे आप टिक लगाएंगे वही ऑप्शन आपके हाईलाइट होंगे। जैसे मैंने ग्रिड लाइन पे टिक लगाया और जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपकी ग्रिड लाइन हाईलाइट होंगी अगर आप देखना चाहें प्रिंट आउट में तो भी, ठीक है। तो मैं गया प्रिंट टाइटल्स में, प्रिंट टाइटल्स में जाने के बाद मैंने बोला अगर आप यहाँ से पर्टिकुलर रेंज नहीं लेना चाहते हो तो आप रेंज हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रेंज हटा दीजिए और देन आप ओके कीजिए तो भी आएगा, ठीक है। प्रिंट टाइटल्स में गए, आपने बोला ग्रिड लाइन और इसके बाद अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए ग्रिड लाइन इसकी प्रिंट आउट होगी, ठीक है, जितनी दूर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप पर्टिकुलरली इतनी दूर सेलेक्ट करते हैं तो इतनी दूर का आएगा। प्रिंट टाइटल्स में गए, ठीक है, यहाँ से आपने ग्रिड लाइन पे टिक लगाया, प्रिंट प्रीव्यू देखे तो इतनी दूर बेसिकली आपका आएगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ग्रिड लाइन शो करती है आपकी, ग्रिड लाइन पे टिक लगाने से ग्रिड लाइन शो करनी है। अगर ग्रिड लाइन पे टिक हटा देते हैं और आप उसके बाद ओके करते हैं तो देखिए बेसिकली गायब हो जाएगी ग्रिड लाइन। मैं आपको एक सेकंड डिलीट करके दिखाता हूँ, जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग से देखिए एक बार, प्रिंट टाइटल्स में गया, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिंट करो किन चीजों को, प्रिंट करो ग्रिड लाइन को, ठीक है। ग्रिड लाइन पर हम टिक लगाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे। तो हम जब प्रिंट प्रीव्यू करेंगे दोस्तों पहले तो कुछ होना चाहिए प्रिंट आउट होने के लिए, मैं देखता हूँ थोड़ा सा कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे जरा एक बार, कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, अगेन लिखता हूँ सचलक्ष, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट 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 एंड अगेन पेस्ट, और इन सारे को कॉपी की, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ रखा कर्सर, पेस्ट 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 एंड पेस्ट। आशा करता हूँ इतने में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं गया प्रिंट टाइटल्स में, प्रिंट टाइटल्स में जाने के बाद मैंने ग्रिड लाइन पर टिक लगाया हुआ है। ग्रिड लाइन पर टिक लगाने के बाद क्या होगा, अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो इस तरीके से कुछ प्रिंट आउट आएगा, देख रहे हैं आप, ये समझ पा रहे हैं आप क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी दूर आपने कुछ लिखा है उतनी दूर ग्रिड लाइन आएंगी प्रिंट आउट होके। अगर आप इस पे से टिक हटा देते हैं, ठीक है, मैं अगेन बताता हूँ आपको, जरा देखिए टिक हटा दीजिए और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू कीजिए तो देखिए ग्रिड लाइन नहीं आ रही। वो जो लाइन आ रही थी, रो एंड कॉलम्स आ रहे थे, वो कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो सेम चीज है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की, तो जो आपका प्रिंट आउट होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ऑब्वियसली आप कह रहे हैं अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट ही हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा कलरफुल कर दूं, आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, होम मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको होम मेन्यू में यहाँ से फॉन्ट को कलर कर दूं,
ठीक है, यहाँ से आप तो आप देख पा रहे हैं ना फॉन्ट का जो बैकग्राउंड बेसिकली वो कलरफुल है इस तरीके से। तब भी अगर मैं इसको बोलूँ कि प्रिंट आउट करना है इसको मेरे को, ठीक है, इसका हमने किया पेज लेआउट में गए, हम गए प्रिंट आइटम्स में और हमने यहाँ से किया रो एंड कॉलम हेडिंग्स में जाके, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट पर टिक लगाया और प्रिंट प्रीव्यू किया, तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आ रहा है। ठीक है, जिन ऑप्शन पर टिक लगा के रखेंगे बेसिकली वो ऑप्शन काम करेंगे, ग्रिड लाइन पर टिक लगाया ग्रिड लाइन भी काम कर रही है इस तरीके से। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे से टिक हटा देता हूँ दोस्तों, फिर प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, देखिए ये कलरफुल आ रहा है, ठीक है रेड कलर में आ रहा है। इसके बाद हम प्रिंट टाइटल्स में गए, अगेन हमने ड्राफ्ट क्वालिटी ली, तो ड्राफ्ट क्वालिटी समझने का लिए आपको दोस्तों या तो एक शेप ले लीजिए, नहीं तो आप इतना समझ जाएगा ड्राफ्ट क्वालिटी पे टिक लगाओ तो कोई भी शेप नहीं आएगी, चाहे वो ग्रिड लाइन के थ्रू शेप हो या कोई इमेज हो, कोई भी चीज हो, मतलब इंसर्ट किया हमने कोई पिक्चर या आकृति या कह सकते हैं शेप वगैरह, तो प्रिंट प्रीव्यू कीजिए, देखिए ग्रिड लाइन नहीं आ रही, जबकि हमने क्या किया ग्रिड लाइन पे टिक लगाया हुआ है, आप प्रिंट आइटम में देखिए ग्रिड लाइन पे टिक लगी हुई है। इसी तरीके से अगर मैं कोई शेप लूँ, अगर आप ध्यान से देखिएगा इंसर्ट में गिरा मैं और मैंने शेप पे क्लिक किया और इस तरीके से शेप ली मैंने, ठीक है, शेप लेने के बाद अगर मैं जाऊँ वापस पेज लेआउट में और प्रिंट टाइटल्स में गया और यहाँ से मैंने बोला कि भाई ड्राफ्ट क्वालिटी पे टिक लगा रखा है जबकि ग्रिड लाइन पे भी टिक है, ब्लैक एंड व्हाइट भी लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो ब्लैक एंड व्हाइट से देखिएगा इसका कलर भी ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, फिलहाल ये कलरफुल शो कर रहा है, प्रिंट प्रीव्यू पे दिया तो ये देखिए पहली बात तो ये आ ही रहा, क्यों नहीं आ रहा, मैंने बताया था इस ऑप्शन का यूज क्या था कि भाई आपने अगर ड्रॉप क्वालिटी पे टिक लगाया तो कोई शेप नहीं आएगी। अब मैं ड्रॉप क्वालिटी पे टिक हटा रहा हूँ, देखिएगा प्रिंट प्रीव्यू ये देखिए आ रहा है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पर हमें टिक लगाया हुआ है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट पर भी टिक हटा दूँ तो प्रिंट प्रीव्यू करूँ, ये देखिए ग्रिड लाइन भी आ रही है और ये भी कलरफुल आ रहा है, लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट पर टिक लगाऊंगा प्रिंट टाइटल्स में जाके तो ब्लैक एंड व्हाइट पर टिक लगाते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ब्लैक एंड व्हाइट आएगा और ग्रिड लाइन आएंगी, और अगर ग्रिड लाइन पे से लगा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट पर भी टिक लगा हुआ है लेकिन ड्राफ्ट क्वालिटी पर टिक लगा तो इन दोनों ऑप्शन का कोई यूज ही नहीं है, ना ग्रिड लाइन आएंगी क्योंकि ग्रिड लाइन में एक तरीके की शेप है और ना ब्लैक एंड व्हाइट आएगा क्योंकि ड्राफ्ट क्वालिटी हमने बोला है, ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं, शेप ही नहीं आएगा, तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट और क्या कलरफुल, क्योंकि ड्राफ्ट क्वालिटी पर टिक लगाते इस इमेज को इस शेप को ही गायब कर देगा, प्रिंट प्रीव्यू देखिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद रो एंड कॉलम हेडिंग पे अगर आप टिक लगाते हैं तो रो एंड कॉलम हेडिंग भी प्रिंट प्रीव्यू में आएंगी, रो एंड कॉलम हेडिंग क्या होता है ये देखिए 1 2 3 ABCD, ये जो है ये 1 2 3 है और ये ABCD है, तो ये कॉलम की हेडिंग हो गई, ये रो की हेडिंग हो गई, ये प्रिंट में आ रही है, अगर आप इस पर टिक हटा देते हो ध्यान दीजिएगा इस पर तो ये चीजें नहीं आएंगी, देखिए। ठीक है, तो यही सब ऑप्शन है बेसिकली, प्रिंट आइटम काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और लास्ट ऑप्शन है फिर पेज ऑर्डर का, तो डाउन देन ओवर का मतलब है कि पहले पेज को ऐसे काउंट करेगा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले ये पहले ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर से नीचे प्रिंट कर रहा है फिर राइट साइड से फिर नीचे आ रहा है, यानी ये एक तरीके से उल्टा एन बना रहा है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब पहला पेज ये फिर दूसरा ये फिर तीसरा ये फिर चौथा ये, इस तरीके से आएगा दोस्तों, पहला ये मैं आपको सेलेक्ट करके भी दिखाता हूँ, देखिए पहला ये करेगा फिर 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 ये करेगा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर मैं प्रिंट आइटम में जाके इसको बोलता हूँ भाई डाउन देन ओवर ना मत कर, ओवर देन डाउन कर, यानी पहले ऊपर जा फिर नीचे आ, तो ओके करते हैं आप समझ पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से इधर फिर नीचे फिर इधर, यानी ये जेड बनाएगा एक तरीके से, तो मैं इसको कर रहा हूँ ओके, इसको प्रिंट करेगा फिर इसको करेगा, ठीक है फिर इसको करेगा फिर नीचे नीचे नीचे, यानी इस तरीके से ऐसे आएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है, यानी इस पे क्लिक करेंगे फिर इस पे थर्ड ये प्रिंट होगा 4 5 6 इस तरीके से। तो आशा करता हूँ आप सारी चीज समझ गए होंगे दोस्तों, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, आप उस पर व्हाट्सएप करके मेरे से डिटेल्स पूछ सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ शीट्स चाहिए जो मैंने एक्सेल में पिछली पुरानी शीट डाली थी तो वो भी आपको अगर चाहिए तो आप मंगा सकते हैं, फॉर्मूलास वगैरह की शीटें जो है वो मंगा सकते हैं। ठीक है, बस आपको मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार क्लिक करना है और आपको जस्ट बोलना है कि सर आपको ये शीट भेज दीजिए तो मैं आपको जरूर भेज दूंगा। ठीक है, बस अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप किसी और के रेफरेंस से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो जस्ट अपना नाम और अपनी लोकेशन जरूर बताइएगा कि आपने कहाँ से ये सब्सक्राइब किया और किस तरीके से आप बेसिकली मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इसके बाद आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं, बाकी ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बताई दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा बेसिकली पेज सेटअप का ग्रुप खत्म हो चुका है, इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन जो है हमारा बेसिकली वो है स्केल टू फिट, ये भी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे एक्चुअली एग्जाम तो इस टाइम हो चुके हैं हमारे बेसिकली बोर्ड के और भी सारे, लेकिन एग्जाम के होने के बाद आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि ठीक है हम कोरोना वायरस फैला हुआ है घर में बैठे हुए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम कभी भी होते हैं, बच्चे चीटिंग जरूर करते हैं, बुरा मत मानिएगा लेकिन ये सच्चाई है कड़वी की, चीटिंग भी चलती है, जहाँ एग्जाम होंगे वहाँ चीटिंग भी होती है, तो चीटिंग में बच्चे जो जीरो कॉपी बनाते हैं ना दोस्तों, उस ऑप्शन को हम यहाँ से इस जगह से करते हैं, कैसे करते हैं वो जरा समझने की कोशिश किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा पर्पज किसी को चीटर बनाना नहीं है, मेरा पर्पज जस्ट ये है कि आप उन ऑप्शन का यूज सीखो, मैं सबसे अच्छे एग्जाम्पल मैंने दिया है ताकि आप इसके दिमाग में ये चीज बैठ सके। ठीक है, तो सबसे पहले विड्थ और पेज की साइज वगैरह के ऊपर ये ऑप्शन है वो हम समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम समझेंगे इसका क्या यूज है। देखिए मान लीजिए अगर मैं अभी इसको सेलेक्ट करके इसका प्रिंट प्रीव्यू करूं कंट्रोल F2 के साथ,
ठीक है, तो आप देखिए इतना बड़ा आ रहा है पेज पे, यानी पूरे एक पेज पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी स्केलिंग करूं और मैं इसको बोलूं कि भाई तू इसको एडजस्ट कर दे जस्ट इन 70% में, तो देखिएगा आप ये पेज पे किस तरीके से एडजस्ट होता है। यहाँ पर भी दिखेगा, बस आप देखिए लाइन को, लाइन जो इससे काफी करीब थी ये वाली लाइन, ये लाइन करीब इतनी दूर चली गई है। कंट्रोल के साथ मैंने F2 किया और ये देखिए काफी छोटा हो गया। तो बच्चे इसी तरीके से एक पेज के अंदर जीरो कॉपी का मतलब क्या होता है, साइज काफी छोटा कर देते हैं बच्चे, छोटी सी पर्ची पे पूरा पेज एडजस्ट करवा के और उसकी चिट बना लेते हैं और उसको ले जाके फिर पेपर में नकल मारते हैं। तो उस तरीके से हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, बस क्या करना है हमें, ये जो भी है जो भी हमें लिखना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी लिखा हुआ उसको सेलेक्ट करेंगे, साइज हमें जितना चाहिए उस साइज को हम डिफाइन करेंगे, जब से हमने बोला इसकी स्केलिंग 50% कर दो, एंटर मारा हमने कीबोर्ड से या ओके करेंगे, और यहाँ से जाएंगे मार्जिन में जाके भी जा सकते हैं आप, यहाँ से कस्टम मार्जिन में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कि कितना आएगा किस साइज में आएगा, इस तरीके से ठीक है। इसको आप बड़ा करना चाहे तो यहाँ से जूम कर सकते हैं आप, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो बेसिकली यही साइज आएगा फिलहाल तो ठीक है, क्योंकि हमने काफी छोटा कर दिया तो आप फिर भी देख पा रहे हैं सचलक्ष लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा अगर आप बोलेंगे तो बड़ा भी कर देता हूँ, बट आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। 60% कर दिया और कंट्रोल F2 शॉर्टकट की होती है, बार बार बता रहा हूँ, कंट्रोल F2 दबाइए और देखिए साइज आ रहा है आपके लिए ठीक है, छोटा या बड़ा। इस तरीके से हम पेज पे एडजस्ट कर दे रहे हैं, पहले यह काफी बड़ा आ रहा था, अभी इसी पेज पे कितना छोटा आ रहा है, और इसका यूज क्या है, जीरो कॉपीज बनाने के लिए, पेज के पेज पे जो आपने लिखा हुआ है, जो आपका टेक्स्ट है या जो भी आपका डाटा है उसको एडजस्ट करने के लिए, आप उसको कितना बड़ा या कितना छोटा करके पेज में एडजस्ट करवाना चाहते हैं उसके लिए हम स्केलिंग ऑप्शन यूज करते हैं बेसिकली ठीक है। स्केल टू फिट अगर हम करते हैं तो स्केल टू फिट भी हो जाता है, बाय डिफॉल्ट स्केल टू फिट करने के लिए 100% ओरिजिनल साइज होता है, हमने क्लिक किया और देखिए इस पूरे पेज पे आप कंट्रोल F2 करके आसानी से ये एडजस्ट हो रहा है जैसा पहले था। इसके बाद होता है कि ये जो पेज है वो टू पेजेस के बराबर एडजस्ट कर जाए, विड्थ जो है वो दो पेजेस की जितनी होती है उतनी एक पेज की है, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल F2 कीजिए, कंट्रोल F2 करके प्रिंट व्यू देखिए, तो पूरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिलहाल आ रहा है, लेकिन अगर आप मार्जिन वगैरह भी देखना चाहते हो तो इस पर टिक लगा के इस तरीके से देख सकते हैं, इतना इतना मार्जिन आ रहा है फिलहाल ठीक है। यही मार्जिन हम घटाने बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो मार्जिन अभी यहाँ पे ऊपर है ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ कि नहीं जी हाइट और विड्थ दोनों ही मुझे बढ़ानी है 5 पेज के बराबर, इसको भी मुझे 4 पेज के बराबर करना, फिर कंट्रोल F2 करके देखते हैं ठीक है दोस्तों, कंट्रोल F2 इस तरीके से देखें, देख पा रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बीच में आ रहा है, साइज भी इसका बढ़ गया है ठीक है। स्केलिंग अब 100% की हमने ले रखी है, तो आप इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं 10 पेजेस के बराबर, 9 पेजेस के बराबर, जितना ज्यादा आप इन्हें। एक चीज नोट की होगी इसके बीच में, आपने शायद पता नहीं नोट की या नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, जो लाइनिंग थी ना वो काफी दूर जा चुकी है, देखिए वो लाइनिंग जो यहाँ पे थी इसके बगल में काफी गायब हो चुकी है एक तरीके से ठीक है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ वो लाइनिंग कैसे आएगी, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से ऑटोमेटिक ठीक है, ये देखिए लाइनिंग यहाँ पे आ गई, यही लाइनिंग कहाँ चली गई थी जब हमने एक पेज दिया था, ये लाइनिंग थोड़ी दूर चली गई थी ठीक है। अब कितनी दूर गई थी वो तो हमें इधर क्लिक करके देखना पड़ेगा कहाँ पे है वो लाइनिंग ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने बेसिकली समझाने की कोशिश की आपको कि ऑटोमेटिक करने से ये ऑटोमेटिक लाइनिंग इस तरीके से आ जाती है ठीक है, पेजेस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं और इसी तरीके से सिमिलरली ऑटोमेटिक यहाँ से भी ले सकते हैं। मतलब ये होता है कि अगर आप लिखे ना हाइट को आप एक पेज के बराबर एडजस्ट करना चाहते हैं, एक पेज में जितनी हाइट आती है उतनी लेना चाहते हैं कि दो पेज के बराबर हाइट लेना चाहते हैं, इसी तरीके से इसमें आपकी विड्थ है कि एक पेज के बराबर विड्थ लेना चाहते हैं कि दो पेज के बराबर विड्थ लेना चाहते हैं, इसी तरीके से 3 पेज 4 पेज जितना भी आपको लेना आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इसको देखेंगे और पसंद करेंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे ठीक है, मैं उसका पूरा सुझाव आपका मानूंगा और कोशिश करूंगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज उनको दूर करूँ। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से शीट ऑप्शंस के कुछ, जो ऑप्शन दोस्तों आपने यहाँ से प्रिंट टाइटल्स में ये देखा था ना ग्रिड लाइंस का और ये सारे ऑप्शन, वही ऑप्शन कुछ यहाँ पे भी है हेडिंग्स वगैरह का, तो आपने रो एंड कॉलम हेडिंग देखा था और ग्रिड लाइन देखा था, सेम ऑप्शन यहाँ से भी है, बट ये व्यू है देखने के लिए, ये प्रिंट के लिए है, प्रिंट करने के लिए, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फिलहाल व्यू पे टिक लगा इसलिए ग्रिड लाइन शोर हुई, देखिए अभी टिक हटाया हमने, ये देखिए गायब हो गई ग्रिड लाइन, यहाँ से गायब हो गई, टिक लगाया दोबारा व्यू हो गई, सेम हेडिंग्स का भी है ABCD ये जो दे रखा है गायब हो गई आ गई, दिखाई पड़ रहा है आपको कॉलम्स हेडिंग और रो हेडिंग्स, ये जो हेडिंग्स हैं बेसिकली इनको व्यू करने के लिए इस ऑप्शन का यूज हो रहा है चेकबॉक्सेस का, और प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट भी होगी हेडिंग्स ठीक है। अगर आप इस पर टिक लगा देते हैं तो अगर आप कंट्रोल F2 से इसका प्रिंट थ्रू करेंगे तो हेडिंग्स भी आपकी प्रिंट आउट होकर आ रही है साथ में ठीक है। इस पर तो पहले से टिक लगा ही था ग्रिड लाइन पे था, तो ग्रिड लाइन अगर टिक हटा देते हैं तो देखिए ग्रिड लाइन प्रिंट आउट होकर नहीं आएगी। तो यही सब चीजें हैं, ज्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे आशा करता हूँ। और इसके बाद दोस्तों ये जो बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये मैंने आपको पहले भी विनवर्ड में बताया था कि इंसर्ट मेन्यू जो हम करेंगे जिसमें शेप वगैरह हमने ली थी, विनवर्ड की वीडियो देखिएगा पूरा जिसमें मैंने इंसर्ट मेन्यू में शेप वगैरह लेके बताया, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आते हैं, जैसे ही शेप को सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ठीक है। और सेम ऑप्शन आपका यहाँ पे पेज लेआउट में ये वाला है ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक का ठीक है। तो आशा करता हूँ आप जब ये ऑप्शन फॉर्मेट के जो आ रहे हैं ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक ठीक है, सिलेक्शन पेन ये सारे रोटेट वगैरह करने का, सेम ऑप्शन आपका इंसर्ट में यहाँ पे भी आता है जब आप कोई शेप लेते हो ठीक है। फॉर्मेट में ये जो ऑप्शन आ रहा है ना मैं बार बार आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यही सेम ऑप्शन आपका पेज लेआउट में यहाँ पे भी आता है, अलाइनमेंट वगैरह का,
रोटेशन का, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको विनवर्ड में करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, किसमें कराया मैंने विनवर्ड में, इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू की पूरी वीडियो देखिएगा विनवर्ड में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन शेप्स को लेने पर यानी बेसिकली जो पेज लेआउट में हम ये जो चीज करने वाले, ये कहाँ से हमने कैसे करेंगे अरेंज के ग्रुप में। ठीक है, या तो आप पेज लेआउट को समझने के लिए, यहाँ का पेज लेआउट समझने के लिए इंसर्ट मेन्यू देख लीजिएगा विनवर्ड का, जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, या तो फिर मैं आपको अभी इंसर्ट मेन्यू पे आता हूँ अगली वीडियो में, तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आज की वीडियो यहीं तक। दोस्तों कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज अपने कमेंट ऑप्शन में बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए। अगर पसंद आई वीडियो तो कमेंट कीजिए, कुछ दिक्कत है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि उनके दोस्तों को भी मतलब आप लोगों के फ्रेंड्स के उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।